वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और खबर ये है कि ज्ञान व्यापी की ASI रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को सौंप दी गई है। 839 पन्नों की इस रिपोर्ट में लिखा है कि जहां पर वर्तमान में ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वहां पर एक समय पर हिंदू मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने इस रिपोर्ट पर क्या बोला है, आपको सुनना चाहिए। अब ये ASI का जो कंक्लूजन है, मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मतलब ASI ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था मस्जिद से पहले, यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये ASI ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। ASI का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था, ये बात ASI कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। ASI ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। नहीं, ये खंबे की बात हो रही है, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है, अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे ASI की क्या फाइंडिंग, मैं वो बता रहा हूँ। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। मतलब ASI ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्रावींग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं, ASI ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था उस पे ASI की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शन को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथा कथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इसमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट के मिले। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन से नाम है? जनार्दन, जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। हिंदू पक्ष के इन दावों का मुस्लिम पक्ष ने खंडन कर दिया है। अब आप मुस्लिम पक्ष के वकील को भी सुन सकते हैं। विष्णु शंकर जैन के जितनी भी दावे वो गलत हैं, इसलिए कि कोई भी रिपोर्ट में ऐसी नई चीज़ नहीं मिली है जो पिछली बार कमीशन की कार्रवाई में ना मिली हो। पिछली बार कमीशन की कार्रवाई में भी जो भी फिगर्स या पत्थर के जो भी चीज़ मिले थे वही अभी भी मिले हैं। सिर्फ ये कि उसमें उन्होंने नाप नहीं लिखी थी, सिर्फ फोटोग्राफ दाखिल किया है और ASI ने उसकी नाप लिख करके उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई वो जमा किया है। पत्थर मिले ये पिछली बार भी थे, अगर मलबे में कहीं पड़े मिले होंगे तो उसकी कोई अथेंटिक नहीं है। इसलिए कि मस्जिद की एक बिल्डिंग थी, इसको उन्होंने नॉर्थ गेट के नाम जानते थे, तो उसमें हमारे 5 किराएदार थे, वो सब मूर्ति बनाते थे और बैरिकेडिंग से पहले पूरा हिस्सा सब खुला हुआ था। वो पश्चिम तरफ की जो मलबे पड़े थे उसमें बहुत से सब अपना मलबा जो बचा होता था उसको फेंक देते थे। अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ पाया गया होगा तो वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। देखना ये है कि मस्जिद हमारी कितनी पुरानी है।